नमस्कार दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजना है। यह गोदावरी नदी पर है और पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखेंगे सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलौर द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य श्रेणी, ऑप्शन सी धारवाड़ श्रेणी, ऑप्शन डी कुदप्पा श्रेणी, कुदप्पा व्यवस्था सॉरी। तो 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी विंध्य श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत होता है? एक चेन्नई, दो मुंबई, तीन नागपुर, चार जयपुर। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी एक दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। चेन्नई, मुंबई, नागपुर में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। एक, पश्चिम बंगाल में वर्णपुर। दो, महाराष्ट्र में चंद्रपुर। तीन, तमिलनाडु में सालेम। चार, कर्नाटक में विजयनगर। उपरोक्त स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी स्टील प्लांट, ऑप्शन डी लौह अयस्क खदान। ठीक है, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टील प्लांट। उपरोक्त स्टील प्लांट भारत के शुरुआती स्टील प्लांट थे। वो उनकी स्थापना भारत में सबसे पहली की गई थी, सॉरी पहली नहीं, पहले सबसे पहले की गई थी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। यह प्रत्येक दशक के बाद की जाती है। अब तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। भारतीय मौसम विभाग के आधुनिकीकरण का के उद्देश्य से फ्रांस से सहयोग के साथ भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान शुरू किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। एक, पटकई पहाड़ियाँ। दो, मणिपुर पहाड़ियाँ। तीन, मिजो पहाड़ियाँ। चार, नागा पहाड़ियाँ। इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। 10 सेकंड का समय लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, पटकई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ व नागा पहाड़ियाँ मिलाकर पूर्वांचल श्रृंखला का निर्माण करती हैं। यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई? ठीक है,
ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी रानी पेत, ऑप्शन डी सिकंदराबाद। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी रानी पेट। रानी पेट तमिलनाडु के नेल्लोर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के पूरे होते हैं 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।